तो है व्हाट्सअप गाइस, कुछ भाई होप कि सारे के सारे मजे होंगे। 2022 खत्म होने वाला है, बॉलीवुड की बहुत मूवीज फ्लॉप हुई है, बड़ी बड़ी मूवीज आई, बड़ी बड़ी मूवीज फ्लॉप हुई, कुछ ने अपना बजट तक तो कवर कर लिया जैसे कि ब्रह्मास्त्र। कुछ मूवीज ऐसी भी थी जैसे कि लाल सिंह चड्ढा जो कि फ्लॉप हो गई, चलो ठीक है। देखो बट फिर भी हम देखें बॉलीवुड के अंदर कुछ ऐसी ऐसे सुपरस्टार है जिनकी मूवी आई नहीं थी, आई नहीं है। सलमान खान, शाहरुख खान है ना, तो अब 2023 में ये भी आएंगे, देखते हैं इनका क्या सीन बनता है। बट बॉलीवुड के अंदर दो चीज मुझे लगता है इतनी भयंकर तरीके से घुस चुकी है ना कि मुझे समझ नहीं आता कि इनके पास इसका कोई इलाज है क्या। पहली चीज बॉलीवुड ने चाहिए कि भाई प्लीज 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 हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, पैसों के लिए मूवी बनाना बंद करो। एंड जो चीज आप कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो, ठीक है। आप देखो आज के टाइम पे कुछ डायरेक्टर्स ऐसे हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए मूवी बनाते कि उनका पैसा कमाना है, ठीक है। कुछ भी बना देते और रिलीज कर देते फिर वह फ्लॉप हो जाता है, और सारा के सारा जो टोपरा होता है ना वो इस चीज पे आता है कि बॉलीवुड का एक और मूवी फ्लॉप। देखो जो हिंदी मूवी होती है, जो मूवी हिंदी में बनती है, ठीक है, वो आप हम सिंपल सा बोलते हैं कि भाई ये बॉलीवुड की मूवी है, ठीक है। जो भी हिंदी मूवी बनेगी हम उसको सीधा बॉलीवुड के साथ जोड़ देते हैं। अब ये नहीं देखते डायरेक्टर कौन है, ठीक है, डायरेक्टर छोटा है, डायरेक्टर बड़ा है, डायरेक्टर कौन है, कैसा है, कहाँ से बिलोंग करता है, एक्स वाई जेड। अगर मूवी खराब हुई तो हम उसको बॉलीवुड से जोड़ देंगे। तो आज के टाइम में कुछ ऐसे डायरेक्टर्स भी है जो किसी पैसा कमाने के लिए मूवी बना रहे हैं, तो भाई इसकी वजह से भाई बॉलीवुड का नाम बहुत खराब हो रहा है, बदनाम हो रहा है। समझना पड़ेगा कि यार इमेज कितनी खराब हो रही है बॉलीवुड की। तो प्लीज यार आप पैसों के लिए मूवी बनाना बंद करो। आप भाई एवरी वीक तीन चार मूवी रिलीज होती है, कुछ ओटीटी पे रिलीज हो रही है, कुछ थिएटर में रिलीज हो रही है। अरे भाई वीक में एक मूवी रिलीज करो, बट भाई बाप लोल की मूवी रिलीज करो, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। सो प्लीज पैसों के लिए मूवी बनाना बंद करो। बट ये तो फिर भी समझ में आता है, चलो इसको आप लोगों ने एक बिजनेस बना लिया, चलो ठीक है, आप लोगों को बिजनेस करना है, आप लोग करो, मूवी बनाओ, कचरा टीवी कचरा स्टार मेरा मतलब है हॉट स्टार उस पर रिलीज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट एक और चीज है जो कि बॉलीवुड के अंदर बहुत ही गलत तरीके से घुस चुकी है, वो है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के नाम पे, राजनीति के नाम पे वोट छापे जा रहे हैं, पॉलिटिक्स के नाम पे मूवीज बन रही है, जो कि मुझे इतनी वाहियात इतनी बकवास लगती है ना, कभी कभी तो सोचता हूँ कि साला बॉलीवुड को मैं खुद दिखना बंद कर दूँ। बट क्या करें यार, शाहरुख खान के फैन है, सलमान भाई के फैन है, जब तक वो है तब तक तो हम बन नहीं कर सकते। रीजन बताता हूँ, देखो एक और मूवी आई थी कश्मीर फाइल्स, कश्मीरी पंडित के नाम पे इतने वोट छापे, इतना बकवास मूवी बनाया, उनको कुछ पता नहीं था कश्मीर में एटलीस्ट हो क्या रहा है। वही कश्मीरी पंडित आज के टाइम पे रियल टाइम में आप देखो कश्मीरी पंडित का क्या हाल हो रहा है इन कश्मीर। ना ही किसी नेता को फिक्र है, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी को फिक्र है, ना ही ये मूवी बनाने वाले को फिक्र है। मस्त बीफ खा के कश्मीरी पंडितों के नाम पे मस्त मूवी बना के मुंबई के अंदर मस्त बंगला लेके आराम कर रहे हैं। एंड आज के टाइम पे ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये चली है ना कि भाई भगवान के नाम पे, भगवा के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे मूवीज बनती है, उसको हमारे देश के नेता सपोर्ट करते, उसको प्रमोट करते। अरे मेरे भाई मूवीज एंटरटेनमेंट का जरिया, दिस इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट। भाई एंटरटेनमेंट के तौर पे मूवी को देखो, आप लोग मनोरंजन के तौर पे मूवी को देखो। ये क्या बात हो गई यार कि भाई कोई भी भगवान के ऊपर मूवी बना तो हम प्रमोट करेंगे, हम टैक्स कम कर देंगे, हम फ्री में मूवी दिखाएंगे। कश्मीर फाइल्स ये एजेंडा था आप लोगों का। एंड दूसरी तरफ कोई मूवी आती है जैसे कि लाल सिंह चड्ढा, आप लोग बोलते हो इसका इंसल्ट कर दिया, उसका इंसल्ट कर दिया, हम लोग ये कर देंगे, इसको मार देंगे, इसका गला काट देंगे, इसका इसको जिंदा जला देंगे। शाहरुख खान की पठान बेसरंग रंग के नाम पे इतना बवाल कर दिया आप लोग, हाँ, जबकि उसके अंदर भाई 10 तरीके के कपड़े पीने हुए, बट आप लोगों को सिर्फ क्या नजर आया, केसरिया रंग। दिस इज अ वेरी बैड यार, ये जो पॉलिटिक्स घुसी है ना बॉलीवुड के अंदर, ये खत्म कर देगी बॉलीवुड को। एंड मुझे ये चीज सबसे अच्छी लगती है भाई साउथ के अंदर, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे हमसे ज्यादा वो लोगों ने हिंदू लोगों का इंसल्ट किया हुआ है, हिंदू रिलीजन का इंसल्ट किया हुआ है, चाहे वो भगवा के नाम पे हो, चाहे वो भाई हमने देखा है बहुत सारे, हमने कमल हसन का नाम उसमें आता है, उसमें भाई कितने सुपरस्टार का नाम आता है यार, जूनियर एनटीआर ने किया हुआ ऐसे रोल, बट भाई वहाँ पे उनके फैंस को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे अच्छी चीज़ है कि वहाँ पर पॉलिटिक्स नहीं है मूवीज़ के अंदर, वो लोग सिनेमा को एज ए एंटरटेनमेंट मानते हैं, वो लोग सिनेमा को ऐसे मनोरंजन मानते हैं, वो लोग पुष्पा जैसी मूवी को भी सपोर्ट करते हैं, वो लोग कैसी भी मूवी आती है सपोर्ट करते हैं। भाई सबसे अच्छी चीज़ वो लोग भाई मूवी को एटलीस्ट एंटरटेनमेंट के तौर पे देखते हैं, और हमारे बॉलीवुड के अंदर साला पॉलिटिक्स घुसा दी, राजनीति घुसा दी, इसके नाम पे भी वोट मांगेंगे। पठान के नाम पे इसको पठान को गाली दो, वोट्स मिलेंगे। कोई मूवी आ गया, ऐसा आ गया, वैसा आ गया, जैसे कि मान लो कि भाई अभी एक और बन रहा है, दिल्ली फाइल्स बना रहा है ये, इसको मस्त यार राजनेता लोग इसको प्रमोट करेंगे। बस भाई यही कर लो, देश हम चला लेते, क्या ही करेंगे। एनीवेज वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड भाई मुझे नहीं लगता ये चीज़ें जाएगी नहीं ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगले 5 साल में बॉलीवुड खत्म हो जाएगा। भाई आप लोग पैसों के लिए मूवी बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑडियंस को देखना तो देखेगी या फिर पहली फुर्सत में निकाल देगी। बट अगर ये पॉलिटिक्स और 5-6 साल बॉलीवुड के साथ चल गई ना,
बॉलीवुड खत्म हो जाएगा, एक टाइम आएगा बॉलीवुड की कोई भी मूवी देखना है ना सारे के सारे लोग छोड़ देंगे और सारे के सारे चीज़ें ना साउथ पे चली जाएगी, क्योंकि बहुत ख़राब चीज़ चल रही है बॉलीवुड के अंदर आज के टाइम पे। क्या पॉलिटिक्स को जोड़ के हर एक मूवीज़ को देखा जाता है, देखा जाता है कि किसी मूवी के अंदर कुछ इंसल्ट तो नहीं कर दिया, ये भी देखा जाता है कि भाई क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, छोटी से छोटी चीज़। एंड सबसे गंदी बात तो ये कि इनके जो इनको जो मानने वाले होते हैं ना वो लोग फिर भाई भले भाई कैसे रहा रंग बिनके दारू भी पियेंगे ना तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मनोज तिवारी, कंगना रनावत, अक्षय कुमार, ये जो है ये लोग कुछ भी करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट क्या कर सकते हैं। एनीवेज इसके बारे में डिप में जाना नहीं है, बट इतनी सी बात बोलूंगा कि भाई 2022 के अंदर सबसे गलत चीज जो मैंने देखी ना वो देखी कि बॉलीवुड के अंदर पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स बॉलीवुड को खत्म कर रही है। अगर ये दूर नहीं होगी तो बॉलीवुड का फ्यूचर बहुत गंदा नजर आ रहा है मेरे को, बहुत गंदा। एनीवेज मिलते हैं किसी ऑडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप कि 2023 में ये चीज सुधरेगी, हम ऑडियंस एज अ व्यूअर, एज अ बॉलीवुड फैन हमको इस चीज़ को सपोर्ट करना पड़ेगा कि भाई प्लीज़ हमने मूवीज़ को एज अ एंटरटेनमेंट लेना पड़ेगा। एंड ये जो एजेंडा, गलत एजेंडा जो निकाल रहे, जो फैला रहे गलत राजनीति या फिर लोगों के अंदर गलत सोच बनने की कोशिश कर रहे ना, इसको ख़त्म कर सकती है ना तो कोई ऑडियंस ये। सो प्लीज़ यार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप लोग मूवीज़ को एज अ एंटरटेनमेंट लो। मैं सिर्फ पठान के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बॉलीवुड की हर बड़ी मूवीज़ के बारे में बोल रहा हूँ। अगर किसी मूवी को गलत तरीके से बायकॉट किया जाता है तो प्लीज़ आप उसका सपोर्ट ना करें और मूवीज़ को सपोर्ट करें ताकि वो सुपर डुपर हिट हो, इनके मुंह पे तमाचा लगे। एनीवेज मिलते हैं किसी ऑडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।